आजकल जो लड़के लड़की अपने रिलेशनशिप में रहते हैं, मतलब जो प्यार करने वाले लोग होते हैं, देखो उसमें जो बीपी होता है ना, या तो उनका हाई हो जाता है नहीं तो लो हो जाता है। अब आप सोचे होंगे कि अगर कोई रिलेशनशिप में है तो उसका बीपी लो और हाई कैसे हो सकता है। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर हो गया। देखो ब्लड प्रेशर डाउन और हाई, ये दोनों हो जाते हैं जो रिलेशनशिप में रहते हैं, लव वाले रिलेशनशिप में। आखिर क्या रीजंस है आप इसका, देखो अभी तक कोई आपको ऐसा वीडियो बताया नहीं होगा, लेकिन फैक्टिवल वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जान जाओ। देखो क्लियरली बता रहा हूँ कि जो लड़के होते हैं, जो रिलेशनशिप में लड़के होते हैं, उनका बीपी लो हो जाता है रिलेशनशिप में रहने के बाद, और जो फीमेल्स होते हैं, जो लड़कियां होती है, रिलेशनशिप में रहने के बाद उनका बीपी हाई हो जाता है। आखिर कैसे, क्या ये 100% सही है कि बीपी का भी प्यार वाले रिलेशनशिप पर प्रभाव पड़ता है? देखो यहां पर समझते हैं कि आजकल प्यार जो है नॉर्मल चीज हो गई, और प्यार तो आजकल बाद में हो रही है, पहले तो सब कुछ हो जा रहा है, ठीक है। यानी समझिए शारीरिक रिलेशनशिप जब बनते हैं ना मेल और फीमेल्स के बीच में, तो मेल जब शारीरिक रिलेशनशिप बनाता है तो उसका स्पर्म गिरता है, और स्पर्म गिरने के बाद क्या होता है, पुरुषों का जो बीपी होता है लो हो जाता है। आप देखिएगा अगर आप सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हैं किसी के साथ, तो सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद आप जाकर अपना बीपी चेक कराइएगा, 100% आपका बीपी लो निकलेगा। तो उस कंडीशन में आपको अपने शरीर का संतुलन बनाने के लिए आपको 2-3 स्पंज खाने होंगे, थोड़ा सा फल फ्रूट खाने होंगे, तो उस कंडीशन आपका बीपी फिर वही चीज आती है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर बीपी लो हो गया तो भैया आप खतरनाक बीमारी से गुजर रहे, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ये चीजें 100% सत्य है कि अगर कोई लड़का किसी फीमेल्स के संग शारीरिक रिलेशनशिप बना रहा है, फिजिकल रिलेशनशिप बना रहा है, तो उस कंडीशन में उसका बीपी उस समय लो हो जाती है, और लो होने का रीजन होता है उसका स्पर्म, क्योंकि एक जो स्पर्म गिराते हैं ना, वो स्पर्म बनने में 30 दिन लगता है, और 30 दिन का एनर्जी आपका निकल जाता है, जिसके कारण से आपका बीपी लो हो जाता है। तो सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद जस्ट जो है ना क्या करनी चाहिए, कुछ स्पंज कुछ फल फ्रूट खा लेनी चाहिए ताकि बीपी फिर से आपका नॉर्मल हो जाए। अब फीमेल की बात करते हैं, मैंने ये बताया कि मेल का जो बीपी होता है वो लो हो जाता है फिजिकल रिलेशनशिप में रहने के बाद, लेकिन फीमेल का बीपी जो होता है ना हाई हो जाता है। क्यों? देखो फीमेल्स क्या होता है, जब मेल और फीमेल्स के बीच रिलेशनशिप बनता है तो कहीं ना कहीं हीटिंग का काम फीमेल्स के अंदर होता है, ठीक है ना। तो हीटिंग की वजह से ही ज्यादातर क्या होता है, इनका बीपी बढ़ जाता है। फीमेल्स अपना चेक करा सकते हैं सेक्सुअल रिलेशन बढ़ाने के बाद, एक बार जाइए अपना बीपी चेक करा के देखिए आपका बीपी बढ़ा है कि नहीं, ये 100% सत्य है, ठीक है ना। इसको मैंने आजमा भी लिया और इसको प्रैक्टिकल करके देख भी लिया। इस कारण से मैंने बता दिया कि बीपी जो होता है फिजिकल रिलेशनशिप में रहने के बाद लड़के के लो हो जाते हैं और लड़कियों के बीपी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये फैक्टिकल वीडियो था और इसको सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से रखना, इसको गलत लेकर नहीं चलना। आप देख सकते हैं, इसको जांच पड़ताल भी कर सकते हैं जाकर, क्योंकि देखो बीपी कहीं भी चेक हो सकता है, किसी भी डॉक्टर के पास आपका चेक हो सकता है, सबको ही रखता है वो मशीन बीपी चेक करने वाला, ठीक है। तो ये चीज आप जाकर जांच पड़ताल कर भी सकते हैं कि एक लड़के जो होता है फिजिकल रिलेशनशिप में रहने के बाद उनका जो बीपी होता है वो लो होने लगता है, और फीमेल्स का जो बीपी होता है वो हाई होने लगता है। तो इस वीडियो को ईमानदारी से शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को ये फेस्टिवल वीडियो जो ना पता चल सके। जय हिंद।